नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था भाई, याद होगा आपको? कल अपन ने क्या पढ़ा था, रक्त के क्या दो भाग पढ़े थे। देखो, एक तो रक्त में क्या होती है प्लाज्मा, और दूसरी अपन ने क्या चीज पढ़ी थी, रक्त कणिकाएं। बात समझ में आ गई? तो रक्त में क्या होता है, एक भाग क्या होता है ठोस, और दूसरा क्या होता है तरल। तरल रूप में कौन सा होता है, प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के बारे में अपन ने पढ़ा था, प्लाज्मा देखो कितने प्रतिशत पाई जाती है रक्त के अंदर, प्लाज्मा का भाग कितना होता है, 55% होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, प्लाज्मा के अंदर रक्त में प्लाज्मा कितना भाग होता है, 55%, ये अपन ने पढ़ा था। अब देखो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, देखो उसके अंदर 90% तो क्या जाता है, पानी पाया जाता है। 90% मात्रा किसकी, जल की पाई जाती है, और 10% मात्रा पाई जाती है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों की। बात समझ में आ गई? जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति के होने के कारण क्या होती है, प्लाज्मा क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं। बात समझ में आ गई? किसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त कणिका। एक भाग तो क्या था, प्लाज्मा था, और दूसरा भाग क्या था, रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। आज अपन पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं। बात समझ में आ गई? अब रक्त कणिकाओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, ये क्या है, 45% भाग होता है, भाग होता है किसका, रुधिर का या रक्त का। बात समझ में आ गई? होता है रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है, ये होता है 45% भाग होता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें इसकी अवस्था कैसी होती है, ये है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये क्या, ठोस अवस्था में होते हैं। रक्त कणिकाएं की अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था होती है। बात समझ में आ गई? रक्त कणिकाओं की अवस्था आपको पूछे तो ठोस अवस्था में होते हैं। ये बात आ गई, बेसिक बातें हो गई। जैसे क्वेश्चन आए कि रुधिर के अंदर रक्त कणिकाओं का भाग पाया जाता है, कितने परसेंट भाग पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 45% भाग किसका पाया जाता है, रक्त कणिकाओं के। अगर आपको पूछे रुधिर के अंदर रक्त कणिकाओं का, रक्त कणिकाएं किस रूप में पाई जाती है, तरल या ठोस रूप में, तो किस रूप में पाई जाएंगी, ठोस रूप में। बात समझ में आ गई? अब देखो अपन आगे बात करेंगे, रक्त कणिकाओं को डिवाइड करेंगे। रक्त कणिकाएं देखो, रक्त कणिकाओं को अपन क्या करेंगे, तीन भागों में बांटेंगे, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं को अपन ने क्या, तीन भागों में बांट दिया। बात समझ में आ गई? तीन भाग कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो रक्त का कितना, एक बार दोबारा देखो, रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है लाल रक्त कणिकाओं कणिकाओं का, तो लाल रक्त कणिकाओं का 45% 45 क्या है, प्रतिशत भाग होता है किसका, रुधिर का। बात समझ में आ गई? ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बात करें रक्त कणिकाओं को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो गए आपके आरबीसी, इसको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। बात समझ में आ गई? आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। ये बात आ गई आपके समझ में? अब दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको क्या बोलते हैं अपन, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब तीसरा भाग क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, तीसरा भाग क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। बात समझ में आ गई? तीसरा भाग क्या हो गया, प्लेटलेट्स। ये क्या है, इसके तीन भाग हो गए। बात समझ में आ गई? देखो इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा रक्त कणिकाओं से किस प्रकार से आता है। पहले क्वेश्चन देखो, बात करते हैं अपन शुरू से
कि रक्त के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का भाग होता है तो कितना प्रतिशत भाग होता है, 45% भाग होता है। ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। बात समझ में आ गई। फिर आगे बात करेंगे, ये नहीं पूछेगा कि लाल रक्त कणिकाओं को कितनों भागों में बांटा है, आपको क्या पूछेगा, सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी के रक्त में कितनी संख्या पाई जाती है। इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। लाल रक्त कणिकाओं को अपन ने कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। तीन भाग कौन से हो गए, एक तो गया लाल रक्त कणिकाएं हो गई, एक सफेद रक्त कणिकाएं हो गई, दूसरा क्या, तीसरा क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गई। बात समझ में आ गई। इनको क्या बोलते हैं, आरबीसी, इनको क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी, और ये क्या हो गए, प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई। तो लाल रक्त कणिकाओं को अपन ने कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में। चलो तो एक बार इसका क्या है नोट डाउन करो, फिर अपन क्या वन बाई वन पढ़ेंगे। चलो तो आगे बात कर लेते हैं अपन किसकी, आरबीसी की, लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका। अब बात करेंगे अपन लाल रक्त कणिका की। बात समझ में आ गई। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका पूछ ले कि जीवन काल कितना होता है इसका, जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना हो जाएगा इसका, जीवन काल हो जाएगा 120 दिन। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया है, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा कि लाल आरबीसी का या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो कितने दिन होता है, 120 दिन। बात समझ में आ गई। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी क्या इस प्रकार से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं इसका निर्माण, निर्माण कहाँ होता है लाल रक्त कणिकाओं का। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में। बात समझ में आ गई। और बात करें भ्रूणी अवस्था में, अगर आपको पूछे कि भ्रूणी अवस्था में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, तो एक यकृत और पलियाह में। बात समझ में आ गई। यकृत और पलियाह में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं कि जो वयस्क मनुष्य है, वयस्क स्तनधारी, वयस्क स्तनधारियों में, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। केंद्रक पाया जाता है क्या वयस्क स्तनधारियों में, नहीं पाया जाता इनमें क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। जो वयस्क स्तनधारी हैं इनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वयस्क स्तनधारियों में कि आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है क्या, तो इसका क्या होगा आंसर, नहीं पाया जाता। अपवाद के रूप में क्या है, दो में पाया जाता है, अपवाद है दो में पाया जाता है, किसमें, ऊंट और क्या है लंबा, ऊंट और किसके अंदर, जो लंबा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बात समझ में आ गई। एक तो क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा और एक हो जाएगा लामा। ऊंट और लामा में क्या पाया जाता है कि इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद किसका हो गया, ये इसका अपवाद हो गया। और जो बाकी जो वयस्क स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में क्या केंद्रक है, नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। संख्या की बात करें, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 45 से 50 लाख। मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 45 से 50 लाख। बात समझ में आ गई। अगर अलग अलग पूछे आपसे पुरुषों में कितनी हो जाएगी, पुरुषों में हो जाएगी 50 से 55 लाख,
और महिलाओं में, कितनी हो जाएगी? 40 से 45 लाख। इसकी संख्या है लाल रक्त कणिकाओं की। बात समझ में आ गई? वैसे 45 से क्या है, 50 लाख के मध्य होती है, या फिर आ जाए 40 से 50 लाख भी आ सकता है। बात समझ में आ गई लगभग इतनी होती है। तो एक बार दोबारा देखो मैंने क्या क्या बताया, फिर आगे और बात करेंगे अपन। देखो इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो पलिहा किस में हो जाएगा? पलिहा या यकृत? यकृत। बात समझ में आ गई? आगे बात करें वयस्क जो स्तनधारी है उनमें आरबीसी होती है। उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। केंद्रक के नहीं पाया जाता, अपवाद स्वरूप दो में पाया जाता, ऊंट और लामा में। बात समझ में आ गई? इनकी क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलो आगे बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन में 40 से 50 आ जाए तो वो भी सही है, और 40 से 45 से 50 आ जाए वो भी सही है। पुरुषों में सामान्यतः कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख, और महिलाओं में 40 से 45 लाख। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गई लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। चलो थोड़ा और पढ़ेंगे एक बार, क्या है इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें अपन आरबीसी रंग की, बात करें रंग कैसा पाया जाता है। तो रंग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा रंग पाया जाता है, लाल रंग पाया जाता है। किस प्रकार का रंग पाया जाता है? लाल। अब लाल रंग क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाए वर्णक के कारण। बात समझ में आ गई? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण क्या पाया जाता है? इनका रंग लाल पाया जाता है। बात समझ में आ गई? लाल रंग क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक क्या वर्णक पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग कैसा पाया जाता है? लाल। अब इसके कार्य की बात करें, हीमोग्लोबिन का कार्य किसका, चलो इधर लिख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है इसकी बात करें तो कार्य क्या हो जाएगा इसका? परिवहन का कार्य किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनका क्या परिवहन का कार्य करता है, इनको क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आ गई? जैसे पहाड़ी पे जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? एकदम लाल होता है। क्यों होता है? वहां पे क्या है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वहां पे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या उनमें बढ़ जाती है। तो उनका रंग आपको कैसा दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो उनका रीजन क्या है? लाल रंग दिखाई देने का ये रीजन है। चलो देखो क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन का रंग, देखो लाल रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात समझ में आ गई? अब जैसे हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का आपको पूछे तो क्या पाया जाता है? आयरन प्लस प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन प्लस प्रोटीन। बात समझ में आ गई? अब आपको पूछे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करते हैं। किसके परिवहन का? इसको परिवहन का कार्य कार्य करता। बात समझ में आ गई? हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसके परिवहन का कार्य करता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता। बात समझ में आ गई होगी? आगे बात करें अपन, आरबीसी है इसका कब्रिस्तान, कौन सा होगा बताओ। देखिए मेरे को क्या पूछा आपको, आरबीसी का कब्रिस्तान, किसको कहते हैं?
पली हा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। किसको कहते हैं? पली हा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पली हा के अंदर जाके ये क्या है, मर जाती है। पली हा के अंदर जाकर आरबीसी मर जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, आरबीसी का लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पलिया। पलिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी वहां जाके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई इसकी मेन मेन बातें। एक बार दोबारा देखो, आरबीसी के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा। आरबीसी को सबसे पहले बोलते हैं क्या? लाल रक्त कणिकाएं। ये बात आ गई समझ में? चलो, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना दिन होता है? 120 दिन। तो चलो, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? 45 से 50 लाख, या 40 से क्या हो जाएगा, 55 लाख, इस प्रकार से भी आ सकता है। और अगर आपको पुरुषों में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 50 से 55 लाख, और महिलाओं में पूछे तो 40 से 45 लाख। बात समझ में आ गई? तो लगभग इतनी होती है। आगे अपन ने क्या बात की थी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनका जीवन काल पढ़ लिया, उनकी संख्या पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? इनका रंग कैसा होता है? रंग होता है लाल रक्त कणिकाओं का लाल। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हिमोग्लोबिन पाया जाता है। हिमोग्लोबिन के कारण इनका रंग कैसा पाया जाता है? लाल पाया जाता है। अब देखो, हिमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? तो इसके अंदर एक तो आयरन होता है, एक प्रोटीन होता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें, हिमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ये जो रक्त क्या है, रक्त के अंदर क्या हिमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। इनको क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? हिमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें, सीधा सीधा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? पलिया होता है। क्या होता है? पलिया होता है। बात समझ में आ गई? पलिया क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी इसके अंदर जाके मर जाती है। आगे बात करें अपन, और क्या बच गया भाई, लगभग हो गई पूरी बातें। जैसे हाँ, आरबीसी का क्या है, निर्माण कहाँ पे होता है? तो सीधा सीधा रहेगा क्या हो जाएगा, लाल अस्थि मज्जा में इनका क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बात करेंगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। छोटी सी क्लास है अपनी, एक बार छोटी छोटी क्लास से लेकर चलेंगे, 5-7 दिन हो जाएंगे। फिर क्या है, थोड़ा समय बढ़ाएंगे। अभी तो अपने पास काफी समय है। आपसे आपको करना यही है, जो मैथ और साइंस की जीके क्लासे आ रही है, उनको क्या साथ साथ पढ़ते चलो, और क्या है, उनका रिवीजन करते चलो। अब 5-7 दिन के बाद में क्या, इन क्लासों का थोड़ा थोड़ा क्या समय बढ़ाते चलेंगे, जिससे क्या अपना कोर्स जल्दी हो जाएगा। कोर्स होने के बाद में अपन क्या टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो पशुपतिर में तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो, तो मैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आप खुद ही कर दिया करो, ये तो बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलो, तो करो नोट डाउन इसको।